हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि ये वाला लेक्चर देखने में आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है। तो पहले तो इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सोल्व करके नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 4-5 क्वेश्चंस को और सोल्व करेंगे। तो देखिए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को ये लेक्चर बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ देखो फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स एनी नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है एक्स। हमने क्या किया है, एक्स इजिकल ए को ए के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, पी ए। ये हो गई वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो जैसे एक्स इजिक्वल ए के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ वेरिएबल एक्स गिवन है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए रिप्लेस कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यानी कि पी ए मिलेगा, वही हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने x इक्वल a के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, वो पी आई, और वो किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। बहुत ध्यान से समझना भाई, हमें निकालनी पॉलिनोमियल की वैल्यू ही है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि x बराबर a पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कितनी मिली, जीरो मिली। तो अब ध्यान से सुनना कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जीरो का क्या मीनिंग होता है, कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करो और अगर वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे को जीरो मिल जाए, तो वेरिएबल था जो हमने पुट किया था, इसी वेरिएबल को क्या बोला जाता है, जीरो बोला जाता है। ध्यान रखना ये वाला जीरो नहीं है, इसका नाम जीरो है, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है, अगर आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो, हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं। और जो हमारा जीरो है, इस जीरो मतलब जो ये वाला जीरो होता है, इसको हिंदी में शून्य बोला जाता है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। अब आप लोगों के इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों का मीनिंग सेम सेम सा लग रहा होगा। तो यहाँ ध्यान रखना एक्स इजिकल है, इसका नाम दे दिया, उस नाम क्या बोला हमने, जीरो है। आई होप आप लोगों को जीरो का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक्स इजिकल ए पे वैल्यू फाइंड की, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इजिकल ए के ऊपर हमें कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिली है, वो वाला वेरिएबल ही क्या कहलाएगा, मतलब उस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। इसी को मैंने वर्ड फॉर्म में भी लिख दिया। तो देखो, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड ए इज एनी रियल नंबर, कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और ए कोई भी एक रियल नंबर गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ पी एक्स बिकम्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इजिकल ए, अगर एक्स इजिकल ए के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे किसके इक्वल बन जाती है, जीरो के इक्वल, तो हम बोलेंगे कि एक्स इजिकल ए इज नोन एज जीरो ऑफ पी एक्स। तो इसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ पी एक्स बोला जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, देखो उससे आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि पी एक्स इजिकल क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू गिवन है, हमारे को क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की एक्स इजिकल टू पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, पी टू बराबर होगा एक्स इजिकल पे टू रिप्लेस कर देंगे, टू माइनस टू होगा, और टू माइनस टू हुआ तो कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि x इजिक्वल टू के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने पे हमारे को वैल्यू कितनी मिली, जीरो मिली। तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, यानी कि x के जिस भी वैल्यू पे हमारे को वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाती है, जीरो मिल जाती है, उसी वेरिएबल की वैल्यू को, यानी कि x की वैल्यू को, या अगर x के अलावा कोई अदर वेरिएबल होगा तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस वाले पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। तो हम बोल देंगे कि ये वाला x इजिक्वल टू इस पी एक्स इजिकल एक्स माइनस टू का क्या है, एक जीरो है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी हम करके देखते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इजिकल एक्स पावर सिक्स, सॉरी एक्स पावर थ्री है यहाँ पे, ठीक है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स गिवन है। हमारे को क्या करना है, पी वन निकालना है, पी टू निकालना है, पी थ्री निकालना है, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। अगर मान लो पी वन के ऊपर वैल्यू जीरो आ गई, तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल वन इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अगर टू पे भी जीरो आ गई तो भी बोल देंगे कि जीरो है। मान लो थ्री पे जीरो नहीं आई, तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल थ्री
इस वाले गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब वही होता है कि जिसकी वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिले, जीरो मिले। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ आ रही होगी। तो देखो पी वन निकालते हैं, तो 1^3 - 6 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6, तो कितना होगा, 1^3 1 होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा, प्लस 11 माइनस 11 माइनस 6। तो देखो सॉरी यहाँ पे 11 है, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस 12। जब आगे सबट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो क्या एक्स इजिकल 1 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें जीरो मिल गई, तो हम बोल देंगे कि एक्स इजिकल ए मतलब एक्स इजिकल 1 इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ऐसे ही 2 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, तो देखो 2^3 - 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। आगे क्या होगा, 2^3 कितना होता है 8 होगा, 2^2 = 4, 4^2 = 8, 2^4 हो गया, 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 22 और ये माइनस का 6। अब देखो 8 और 22 दोनों प्लस के हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। और माइनस 24 और माइनस 6 किसके हैं, दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस 30 बना लेंगे और आगे सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या है इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एक्स इज इक्वल 3 के ऊपर यानी कि पी 3 की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं कि कितनी निकल के आती है। तो देखो 3³ - 6 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। तो देखो 3 का क्यूब 3³ = 9, 9³² = 27, 27 आया। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 54 आएगा, फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा और माइनस का 6 चल ही रहा है। तो देखो दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा 60, 27 प्लस 33 60 हो गया और माइनस 54 और माइनस 6 ये भी कितना हो गया, माइनस 60 हो गया। तो आगे जब सबट्रैक्ट करोगे तो जीरो मिलेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स इजिकल 3 भी क्या है इसका, जीरो है। तो हम बोल सकते हैं एक्स इजिकल 1, 2, 3 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसके साथ में हमारे को कुछ नंबर्स गिवन है, ये हमें बताना है वेरीफाई करके कि क्या ये इसके जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि इस वाले पॉलिनोमियल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये पॉलिनोमियल क्या है px है, तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू क्या करनी है, माइनस 3 पे निकालनी है। ऐसे ही px की वैल्यू किस पे निकालनी है, माइनस 2 पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है और 2 पे निकालनी है। अगर हमारे को सबके ऊपर क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये चारों के चारों क्या है, जीरो है और इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज रिप्लेस करो, -3^4 होगा प्लस 2 - -3^3 होगा, -7 - -3² होगा, -8 - -3 होगा और +12 होगा। -3^4 मतलब -3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आएगा। 3³ = 9, 9³ = 27, 27³ कितना हो गया 81 हो गया। अब यहाँ पे -3 का क्यूब करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3³ = 9, 9³ = 27 यानी माइनस का 27 बना, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव के 2 से तो कितना बन जाएगा, माइनस का 54 बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस, 3³ = 9 और 9 को जब क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 63 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव निकल के आया रिजल्ट ये। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8³ = 24 होता है, प्लस का 12 साथ में चल ही रहा है। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सोल्व करते हैं, तो देखो पी माइनस 2 मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को एक साथ कंबाइन कर लो, 81 और 20, देखो 80 और 20 कितना हो गया 100 हो गया, 100 और 101 और 4 कितना हो गया 105 हो गया, 105 और उसमें जब 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 117। ऐसे इन दोनों को ऐड करो, 50 और 61 111 यानी कि 110 हो गया, मतलब सॉरी 110 हो गया, 110 में 4 और 3 और ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 117। जब दोनों को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा,
जीरो आएगा, मतलब बोल सकता हूँ मैं कि x इज इक्वल माइनस थ्री इस वाले पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल गिवन है, इसका एक जीरो है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब p माइनस टू पे वैल्यू निकालते हैं, तो देखो माइनस टू पावर फोर प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू क्यूब माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस टू स्क्वायर माइनस एट मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस ट्वेल्व। ठीक है, तो देखो इनकी वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग खुद निकाल लेना P1 की वगैरह की, इनकी वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। माइनस टू पावर फोर, माइनस टू पावर फोर मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस, टू पावर फोर का मतलब टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा सिक्सटीन। माइनस टू पावर थ्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16, क्यों? क्योंकि ये वाला नेगेटिव का बना था और ये पॉजिटिव है तो माइनस 16 आ गया। ऐसे माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू जा फोर हो गया, और फोर को जब 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 28 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। ऐसे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एट टू जा कितना हो गया 16 हो गया, और प्लस 12, तो देखो 16 माइनस 16 तो जीरो हो गया। ऐसे जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये कितना बनाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जीरो आ गया। यानी बोल सकते हैं पी वन भी कितना आ रहा है, पी माइनस माइनस टू के ऊपर भी हमारे को वैल्यू कितनी मिली है, जीरो मिली। ऐसे ही देखो आप लोग जब वन के ऊपर और टू के ऊपर भी वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो ये भी आप लोगों को कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो देखना आप लोग निकाल के देखना पी वन और पी टू के ऊपर भी वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को, जीरो मिलेगी। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि भाई चारों के चारों क्या है, इसको जीरोज होंगे। तो यही तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि x इक्वल माइनस थ्री माइनस टू और वन और टू, ये चारों के चारों क्या है, इसके जीरो है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं। अब हम इस टॉपिक पे दो तीन क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे और लेंगे। तो देखो ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने क्या किया भाई, जीरो का मीनिंग समझा, वैल्यूज वो गिवन होती थी उसको चेक करके वेरीफाई करके बताना था कि वो जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल की उन वैल्यूज के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते थे एक्स की उन वैल्यूज के ऊपर, और अगर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाती थी तो वेरिएबल की यानी कि एक्स की वो वाली वैल्यूज क्या कहलाती थी, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई थी। अब हमारे को थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो इसको मैं थोड़ा बाद में लूंगा, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करवाता हूँ। क्या बोला है, इफ एक्स इज इक्वल टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि इस बार उसने खुद बोल दिया है कि x इज इक्वल टू इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब क्या है, वो ये बोलना चाह रहा है कि हम बोलेंगे इफ x इज इक्वल टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स, देन इसका मतलब है कि p2 अगर हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू के टू एक इसका एक जीरो है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू के ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पे निकालनी है और किसके इक्वेट कर देना, जीरो के इक्वेट, क्योंकि उसने खुद बोला है कि एक्स इज इक्वल टू इसका क्या है, एक जीरो है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो पी टू बराबर कितना होगा, टू मल्टीप्लाई टू स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस सेवन ए, ये कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। आगे देखो फर्दर सोल्व करते हैं, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इधर एट है, इधर माइनस करेंगे तो कितना हो, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, प्लस टू ए बराबर जीरो। देखो एट माइनस टू कितना हो गया टू, एट माइनस सिक्स कितना हो गया टू, और टू अदर साइड जाके कितना हो जाएगा माइनस का टू, और इधर क्या बच गया सेवन ए बच गया, और यहाँ पे सेवन मल्टीप्लाई में अदर साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस टू अपॉन सेवन, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या बोला है, इफ एक्स इज इक्वल फोर अपॉन थ्री, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है, तो बताओ के की वैल्यू बताओ। इस बार के को अननोन कर दिया, इसको हमारे को पता करना है, तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है कि पी फोर बाई थ्री कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि उसने खुद बोला है कि एक्स इज इक्वल फोर बाई थ्री इसका क्या है, एक जीरो है। यहाँ भी क्या था, ये जीरो था,
तो हमें क्या करना है कि अगर हम इसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए, तभी तो ये इसका जीरो कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है जीरो। तो देखो, 6 × 4/3 माइनस 11 × 4/3 प्लस k 4/3 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। 4/3 का क्यूब करना है, तो देखो 4 का क्यूब करना है, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। ऊपर आ गया 64, नीचे क्या हो गया, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 माइनस 11 × 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस यहाँ कितना होगा 4k/3, 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और माइनस 20 = 0। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये 9 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर तो कितना बच गया 128 और नीचे कितना बच गया 9। 128 का मतलब है 64 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 128 है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ भी आप अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, नीचे तो 9 ही आएगा क्या, ऊपर 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आता है। एक बार और करोगे तो 16 और ऐड कर दो, तो पहले 10 ऐड करो 170 और 6 से ऐड कर दो तो कितना हो गया माइनस का 176/9 हो गया इसका आंसर। और इधर क्या है 4k/3 − 20 = 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको अदर साइड ले जाएंगे। तो देखो 4k/3 वाला टर्म ऐसे कैसे रखो इधर, ये 20 माइनस का अदर साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 128/9 पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये 126/9 है, 176/9 इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव का गिवन है, राइट हैंड साइड में किसका हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या चाहो तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम वगैरह ले सकते हो। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, फिर इस 9 में 1 से डिवाइड करोगे 9 टाइम होगा, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, बीच में माइनस आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा, उसके बाद में क्या होगा प्लस का 176 आ गया। अब इनको क्या करना है, हमारे को कंबाइन करना है। तो देखो कंबाइन कैसे कर सकते हो आप लोग, इस इन दोनों को और साथ में, हाँ अदर साइड क्या चल रहा है 4k/3 चल ही रहा है। तो देखो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ, यहाँ क्या है इधर की तरफ तो 4k/3 गिवन है और उधर की तरफ क्या बचा, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं भाई, ये 180 है, ये भी 180 होता तो 360 हो जाता, लेकिन ये उससे 4 कम है, यानी कि ये कितना है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 356, उसमें से 128 को माइनस करना है, जैसे 128 को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 228। आप लोग माइनस करके देख लेना, तो यहाँ तो कितना बन गया 228/9। अब देखो कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है, तो देखो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 टाइम्स हो रहा है, ये 7 टाइम 20 बनाया, 1 बचा, 1 के आगे क्या नोट किया 8 नोट किया, तो 26 हो गया, मतलब 18 हो गया, 18 में कितने टाइम डिवाइड होगा 6 टाइम, तो इधर क्या बन गया 76/3। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है 76/3, इधर ये 3 किस में है डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर 4 ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 4 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 19 × 4 कितना होता है 76, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हमारे को जो k की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 19 मिली है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर, या फिर पहले इसको देख लीजिए उसके बाद में तीनों को एक साथ नोट कर लेना। अब ध्यान से समझना, पर ध्यान रखना इसका जो अब बाकी का सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ लिखा है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो अगला टॉपिक करते हैं, अगला सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इस बार आप लोगों को देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, x = 2 और x = 4/3 उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि ये दोनों इसके जीरोज है, इसमें डायरेक्ट नहीं बोला है, यही चीज़ इनडायरेक्टली बोली है, क्या बोला देखो, इफ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल px = x²−8x + k इज द HCF ऑफ 6,12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इसमें तो सीधा सीधा आपको 0 बोल दिया 2 है, अब इसमें 0 2 नहीं बोला, उसने बोला इसका जो 0 होगा ना वो कितना होगा 6 और 12 का जो HCF होगा वो इसका 0 होगा। तो हमें बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, तो 0 ऑफ px बराबर क्या होगा HCF ऑफ 6,12 और 6,12 का जब HCF निकालोगे ना तो आप लोग निकाल के देख लेना कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, तो हम बोल देंगे कि x = 6 जो होगा ना ये क्या है इसका पॉलीनोमियल का 0 है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्या बोला है मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पॉलीनोमियल गिवन है, इन दोनों क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट बोल देता था कि x = 2 और x = 4/3 क्या है इन दोनों पॉलीनोमियल्स का अलग अलग पॉलीनोमियल्स का 0 है, यहाँ उसने 0 डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया कि
जो इन दोनों का HCF आएगा ना, वो जो HCF का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इस पॉलीनोमियल का जीरो होगा। तो हमने दोनों का HCF निकाल लिया, 6 आएगा, और उसके बाद में क्या किया, यही इसका जीरो होगा क्योंकि उसने ऐसा बोला है। तो अगर ये जीरो है, x इक्वल 6 इसका जीरो है, तो मतलब अगर हम पॉलीनोमियल की वैल्यू 6 पे निकालेंगे तो हमें कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए, इसका मीनिंग यही तो हुआ। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, 6² - 8 × 6 प्लस k बराबर कितना आना चाहिए, जीरो। 6² कितना होगा, 36 -48 प्लस k बराबर जीरो। तो देखो -48 अदर साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 48, और 36 जिसके आगे कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है, अदर साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। जब आगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि k इज इक्वल 12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अब हम पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोगों के लिए मैंने ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखे हैं, आप लोग इनको सोल्व करना, आपका जो भी रिजल्ट आता है वो कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने सोल्व करने के बाद में आप लोगों का क्या आंसर निकल के आया है। तो देखिए पहले हम एक टाइप का क्वेश्चन और होता है इसके ऊपर पूछा जा सकता है, उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें करना क्या है। तो देखो इस बार क्या बोला, इफ एक्स इजिकल जीरो एंड एक्स इजिकल माइनस वन आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल 2x⁻³ - 3x² + ax + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस बार क्या बोल दिया, इस बार दो वैल्यूज दिए आपको, एक मिनट मैं देखता हूँ मार्कर का। देखिए ध्यान से समझना, एक्स इज इक्वल जीरो और एक्स इज इक्वल माइनस वन, ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ऐसा बोला है कि देखो इफ एक्स इज इक्वल जीरो एंड एक्स इज इक्वल माइनस वन आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो हमें बताना है ए और बी कितना होगा। तो अगर x इज इक्वल जीरो और x इज इक्वल माइनस वन इसके जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम f जीरो निकालेंगे तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा, और अगर हम f माइनस वन निकालेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले f जीरो निकालते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, और f माइनस वन निकालते हैं, उसको भी जीरो के इक्वेट करते हैं, क्योंकि उसने खुद बोला x इज इक्वल जीरो और x इज इक्वल माइनस वन क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के जीरोज हैं। तो देखो निकालना शुरू करते हैं हम लोग, तो f जीरो निकालना है, f जीरो का मतलब क्या हुआ, 2 × 0⁻³ - 3 × 0² + a × 0 + b बराबर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो ये तीनों तो कितने हो गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट में b बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एक की वैल्यू तो हमें मिली गई बहुत आसानी से। अब उसने बोला कि पॉलीनोमियल की मतलब x इज इक्वल माइनस वन इसका जीरो है, मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर हम x इज इक्वल माइनस वन पे निकालेंगे वो भी कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो 2 × −1³ - 3 × −1² + a × −1 + b बराबर कितना आएगा, जीरो, ये b है ध्यान रखना। तो देखो −1³ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 1 को जब 3 times मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो इतना इसका रिजल्ट कितना आ गया, माइनस करना, −1² माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा, और a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, साथ में b चल ही रहा है बराबर जीरो। ये −2 और −3 अदर साइड जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये कितना बचा इधर की तरफ, −a + b बराबर कितना बच गया, 5 बच गया। अब हमें पता है b की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी है, जीरो है, तो इसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, तो −a + 0 = 5, यानी कि −a बराबर कितना आ गया, 5। लेकिन हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग चाहे से माइनस को इधर रखो या उधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे a बराबर कितना आ गया, −5। तो हमारे को आंसर मिल गया, a बराबर हो गया −5 और b बराबर हो गया 0। यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस डाले हैं, ये आप लोगों को करने हैं सोल्व अच्छे से, पूरा एक एक चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई करना है, और फिर जो भी रिजल्ट आता है वो कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ कि इफ एक्स इज इक्वल −1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने लास्ट स्लाइड पर 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें वैल्यू गिवन थी, एक तो एक्स इजिकल 2 वाला था और एक एक्स इजिकल 4/3 वाला था। इस बार उसकी जगह पे क्या दे दिया, −1/2 दे दिया, उसके हिसाब से जैसे उसको सोल्व किया था वैसे इसको भी सोल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके बताना। ऐसे ही देखो इसका जैसा का जैसा क्वेश्चन यहाँ दे दिया कि यहाँ पे एक्स इजिकल 0 और एक्स इजिकल −1 क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के जीरोस थे। इस बार क्या बोल दिया, एक्स इजिकल 2 और एक्स इजिकल 0 इस वाले पॉलीनोमियल के जीरो है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो जैसे इसको सोल्व किया वैसे ही इसको भी सोल्व करना है, तो इन दोनों के आंसर्स आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है उसको भी देखते हैं, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा।
तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है वो समझते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाए थे उस वक्त आप लोगों को समझाया था। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल जो भी गिवंस होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो जहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री 1 होगी। अब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल पहले जनरली दिखता कैसे है, वो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा ax प्लस बी टाइप का, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए और a और b क्या होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है वो समझो, देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, जहाँ कुछ भी पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 और 1 में हाईएस्ट कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है ax प्लस बी टाइप का। ध्यान रखना a 0 नहीं होना चाहिए, इसका कारण क्या है, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो गया तो ओनली b बचेगा, और b तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये वाला फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह के क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए ये कुछ कंडीशन है और a और b हमेशा रियल नंबर ही हमारे को लेने। अगर ये दिया हुआ है तो इसके जीरो का क्या मतलब है, इसके जीरो का मतलब है कि अगर हम इसकी जगह पे x पे कुछ वैल्यू पुट करें और हमारे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो x पे जो भी पुट करेंगे वही इसकी क्या होगी, इसका 0 कहलाएगा। जैसे मान लो कि x पे हमने क्या पुट किया है, अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। साइन कैसा बनता है ध्यान रखना, अल्फा बोला जाता है, और कैसे बनाया जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो आप लोग बनाना सीख लेना। तो अगर हमारे को x इक्वल अल्फा पुट करने पे वैल्यू कितनी मिल गई, 0। अल्फा कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, जैसे हमने इससे पहले के जो टॉपिक्स जब पढ़े हैं वहाँ पे अल्फा की जगह पे a पुट कर दिया था, अब यहाँ पे अल्फा मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे को इस पॉलिनोमियल में अल्फा वैल्यू पुट करी तो रिजल्ट कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल अल्फा ही क्या होगा, इसका 0 होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि px इज इक्वल 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से यही है कि आप लोग बताओ इसके अंदर a क्या होगा और b क्या होगा, जब आप इससे कंपेयर करोगे तो बताओ a की जगह पे कितना आएगा। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा a की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, और b की जगह पे क्या आया होगा, ज़्यादातर लोगों ने जो सोचा होगा वो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा 3, लेकिन एक्चुअल में इसमें विद साइन लेते हैं तो बी की जगह पे कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हम लोगों ने ये लिखा है, जिन्होंने भी माइनस 3 सोचा है उनका बिल्कुल करेक्ट था। अब क्या करना है हमारे को, चेक करके बताना है कि ये वाला इसका 0 है या नहीं है, ये चेक करना है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की एक्स इजिकल 3/2 पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू हमारे को 0 मिल जाती है तो बोल देंगे कि एक्स इजिकल 3 इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो 2 × 3/2 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 − 3 बराबर 0 आ गया, यानी कि एक्स पी 3/2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0। तो हम बोल देंगे कि ये वाला इस पॉलिनोमियल क्या क्या है, 0 है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 का क्या मीनिंग होता है। अब ये हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ तो चेक करना था हमारे को, वैल्यू पुट करी, अगर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली तो हमने बोला कि वाला जो भी वैल्यू गिवन थी वो क्या है, उसका 0 था, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जैसे मान लो कि ये नॉट इक्वल 0 आता, ठीक है, तो हम बोल देते कि एक्स इक्वल 3/2 इसका एक 0 नहीं है। अब आगे क्या है वो ध्यान से समझो, इस बार 0 गिवन नहीं होगा, वेरीफाई नहीं करना कि 0 है या नहीं, इस बार 0 फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो अब अभी हमने क्या सीखा था कि भाई एक्स इक्वल हमने क्या पुट किया था, अल्फा पुट किया था, और हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू पी अल्फा बराबर 0 मिल रही थी, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, 0 बोल रहे थे, अभी तक ऐसा ही किया है। अब हमारे को 0 फाइंड करना है, मतलब एक्स इक्वल अल्फा फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करें, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, हमारे को क्या करना है, जो भी पी एक्स गिवन होगा ना उसको क्या करो, 0 के इक्वेट करो, ठीक है, 0 के इक्वल पुट करो। हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, समझना आना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, और जो भी x की वैल्यू मिलेगी ना वही, जैसे मान लो कि x की वैल्यू मिली, क्या मिल गई हमारे को, अल्फा मिल गई, तो जो x इक्वल अल्फा जो भी मिलेगा यही हमारे पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आया होगा। अब एक दो क्वेश्चंस करके बताता हूँ मैं, देखो
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स इन ईच केस। यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों के अंदर ये पॉलीनोमियल्स गिवन है, इनके हमें जीरो फाइंड करने। तो जीरो फाइंड करने का क्या मतलब है, हमारे को पॉलीनोमियल को किसके इक्वेट करना है, जीरो के इक्वल कर दो। उल्टा ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, यानी कि x प्लस फाइव बराबर कितना होगा, जीरो। फाइव इधर साइड, इधर की तरफ प्लस का, अदर साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x इजिकल माइनस फाइव क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल का जीरो है। आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लो, x से क्या पुट कर दो, माइनस फाइव पुट कर दो, माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब अगर x इजिकल हम देखो यहाँ पे पुट करके देखें f माइनस फाइव, तो कितना आएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव बराबर जीरो आ गया, यानी कि हमारे को f माइनस फाइव की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो मिली। तो हम बोल देंगे कि ये वाला जो हमने निकाला है x इजिकल माइनस फाइव, ये इसका क्या है, पॉलीनोमियल है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो 2x प्लस फाइव को किसके बराबर पुट करना है, जीरो के। फाइव अदर साइड जाके माइनस का फाइव हो गया, और टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया, यानी कि x इजिकल माइनस फाइव अपॉन टू, ये क्या हो गया, इस वाले पॉलीनोमियल का जीरो हो गया। ऐसे इसका निकालोगे तो 2x को जीरो के बराबर पुट करोगे, तो x इधर टू मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, जीरो अपॉन टू बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सी एक्स प्लस डी को किसके बराबर पुट करोगे, जीरो के बराबर पुट करोगे। तो यहाँ पे तो x बचेगा, मतलब सी एक्स बचा और d इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। और उसके बाद में एक स्टेप और आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, c इधर मल्टीप्लाई में, अदर साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया, माइनस टी अपॉन सी मिल गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे एक छोटा सा टॉपिक है उसको देखते ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल। पहले तो जीरो कोफिशियंट क्या है, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे को एक पी एक्स इजिक्वल ए एक्स प्लस बी टाइप का एक पॉलीनोमियल गिवन है। यहाँ पे कंडीशंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी, ए और बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर। अब यहाँ पे जो ये ए और बी है ना, इनको बोला जाता है कोफिशियंट्स। क्या बोला जाता है, कोफिशियंट्स। और जैसे मान लो कि इसका एक्स बराबर अल्फा क्या है, इसका एक जीरो है, ये हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो हमारे को बताना है कि अल्फा, ए और बी, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो देखो हमने जब इसका जीरो फाइंड किया होगा तो कैसे फाइंड किया होगा, जो कि एक्स इजिकल अल्फा निकल के आया होगा, तो हमने क्या किया होगा, इस पी एक्स फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग जीरो हमने किया होगा, इस पी एक्स को किसके बराबर कर दिया होगा, जीरो के। अभी लास्ट स्लाइड पे हमने ये तो देखा कि अगर हमारे को इसका जीरो फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वेट कर देंगे। और जैसे मैंने बोला कि उसका जीरो कितना निकल के आया होगा, अल्फा। तो देखो निकालते हैं क्या निकल के आता है हमारे हिसाब से जीरो के बराबर पुट करने पर, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, बी उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मिली हमारे को, माइनस बी अपॉन ए, यही हमारा क्या है, जीरो है, क्योंकि जहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू मिलती है वही जीरो होता है। और इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने अल्फा मान रखा है, यानी हम बोल सकते हैं एक्स बराबर अल्फा बराबर कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। यानी इनमें रिलेशन क्या है, वो रिलेशन निकल के आता है कि जो अल्फा यानी कि जो जीरो होगा वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इसको अगर हम वर्ड्स फॉर्म में लिखें तो हम बोलेंगे एक्स इजिकल अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है, इसका जीरो है, बराबर क्या होगा, माइनस, ये वाला साइन माइनस। बी क्या है, देखो इस वाले पॉलीनोमियल में ये वाला क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए। ए क्या है, कोफिशियंट है किसका, एक्स का। तो नीचे क्या लिख देंगे हम, कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है, अल्फा ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और आप लोग फास्टली कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखो जैसे पी एक्स इजिकल थ्री एक्स माइनस फाइव क्या दे रखा है, एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, हमारे को इसका क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड कैसे करें, तो एक तो तरीका है इसको पूरे को किसके इक्वल कर लो, जीरो के बराबर करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको जीरो बोल सकते हो। एक अगर आप लोग डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हो तो इसका जीरो अल्फा होगा, वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे बताओ ए कितना है, ए तो हो गया थ्री हो गया, और बी कितना है, माइनस का फाइव हो गया। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो ये वाली वैल्यूज, तो क्या आएगा, ए बराबर माइनस
बी की जगह पे कितना आएगा माइनस फाइव, बस यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। ये जो माइनस दिया हुआ था ना ये वाला, ये इस फॉर्मूले का माइनस है समझ लो। तो अब बी की जगह पे क्या आएगा माइनस फाइव, तो वो वाला माइनस ऐसे कैसे आ गया, नीचे कितना है थ्री है, तो हमारे को ए की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ए नहीं यहाँ पे अल्फा है, यहाँ कितना है अल्फा है, तो जो हमें अल्फा की वैल्यू मिली है वो कितनी मिल गई फाइव अपॉन थ्री, और अल्फा ही हमारा क्या था जीरो था। तो आप लोग अगर ये रिलेशन याद रखता है रहता है तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो इससे जीरो फाइंड कर सकते हो, या एक नंबर में अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ जीरो और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है तो ये बता सकते हो अल्फा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म होता है और ए क्या होता है इस एक्स का कोफिशियंट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के टॉपिक को कवर करेंगे जिसके अंदर हम एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है वो करना सीखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने आप लोगों के जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनको सोल्व करके कॉमेंट करके बता दीजिए। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।